ये युवराज है ना, अनीता लूथरा का बेटा। अरे पहले तो ट्विंकल के पीछे पड़ा था और उससे जबरदस्ती शादी करने की भी बहुत कोशिश की। अब देखो छोटी बहन पे डोरे डाल रहा है। यानी बड़ी बहन के साथ छोटी बहन फ्री। मिसेस सिंह प्लीज आप अपनी आप लोग युवराज के बारे में ऐसी बात मत कीजिए। हम दोनों पति पत्नी हैं। हमने लंदन में ऑलरेडी शादी कर ली है। लीला तुमने तो अपनी बेटियों को बहुत छूट दे रखी है। शादी भी करके आ गई फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इतनी छोटी उम्र में शादी करने की क्या जरूरत थी? कुछ गुड न्यूज तो नहीं है? बस कीजिए आप। आप मेरी बेटी पर इतना घटिया इल्जाम नहीं लगा सकती, समझी? प्लीज मेरे होते हुए लीला आंटी और माही को कोई कुछ नहीं बोले। माना कि मैंने और माही ने लंदन में शादी करी, लेकिन आज भी माही गंगा जैसी पवित्र है। अरे लंदन में होने के बावजूद भी उसने अपने संस्कार मर्यादा नहीं तोड़ी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। अब लीला आंटी को देख लीजिए, इतने सालों तक वो बिना हस्बैंड के रही, लेकिन फिर आज तक उनके दामन पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। माही बहुत संस्कारी, सीधी साधी और घरेलू लड़की। सोचिए अगर आपकी बेटी होती तो अभी तक क्या क्या कर चुकी होती। बकवास मत कर युवराज। I'm sorry आंटी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, सिर्फ एक एहसास दिलाना चाहता था कि जैसे आपको अपनी बेटी के बारे में सुनकर बुरा लगा वैसी लीला आंटी को भी लगा होगा। हर एक औरत की इज्जत उसका गहना होता है और आप एक औरत होकर ऐसे कीचड़ उछाल रही। अब हम चलते हैं। अरे एक बात सुनिए तो आंटी जी, आपको बहुत बुरा लग रहा है ना, तो एक बात और सुनती चाहिए। मैं और माही हम लोग दोबारा शादी करेंगे। अब तुम देखना चाहते कैसे दिलवाला धूम धड़ाके से अपनी दुल्हनियां ले जाए। मिशन सक्सेसफुल, बस थोड़ा और इंतजार फिर लीला तनेजा खुद अपनी बेटी का रिश्ता लेकर मेरे पास आएंगी। सो डार्लिंग ऑलरेडी रेडी? बस निकल ही रही। माही और यूवी को अलग करने का ट्रम्प कार्ड इस बार मैं अपने साथ लेके ही आऊंगी। ऑलराइट देन आई विल बी वेटिंग स्वीटी। गिव मी 5। पापा जी मुझे पता है कि किसी की शादी तोड़ना एक बहुत ही गलत बात है, लेकिन माही की जिंदगी बचाने के लिए मुझे ही करना पड़ेगा। मैं यूवी को माही की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दे सकती, इसलिए मुझे अनीता आंटी से भी हाथ मिलाना पड़ा। बस बाबा जी अब आप सब कुछ ठीक कर देना। कैसे भी हो मुझे ट्विंकल से कनाडा जाने वाली बात करनी ही होगी। कम ऑन कुंज, यू कैन डू इट। मुझे जल्दी से ऑल द बेस्ट विश करो। क्यों? तुम्हें हर बात जानना जरूरी है क्या? तुम बस मुझे विशेस दो जल्दी। ट्विंकल मुझे तुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ तो कर लेना ना, बस पहले मुझे तुम विश करो, मैं बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रही हूँ। प्लीज ऑल द बेस्ट। अब मैं बोलूँ? इट्स रियली इम्पोर्टेंट। मैंने कहा ना आके बात करूँ। बाय।
ट्विंकल। कुंज क्या कर रहा है? मेरे इतना करीब क्यों आ रहा है? और फिर से मेरे पेट में गुड़गुड़ क्यों हो रही है? पापा जी, ये क्या हो रहा है मुझे? ट्विंकल, आजाब सजना रूह में शामिल तुझे कर लूं सजना। थोड़ा कम खाया कर तो कपड़े भी फटना शुरू होते। ये थी तुम्हारी सीरियस बात? हमेशा मजाक उड़ाते रहते हो, कितने बुरे हो तुम। ये लड़का ना बाबा जी इतना इरिटेटिंग क्यों है? फिर नहीं बोल पाया तो कुछ, तेरा कुछ नहीं हो सकता। मुझसे भी कहा कि मैं घर पे ही रहूं। कुड़िये, कौन है तू? हाँ? ये यूवी का सच है बेबे, वो सच जो यूवी हम सबसे छुपाना चाहता था। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि यूवी का इस लड़की के साथ अफेयर है। यूवी ने इसे यूज किया, इसका फायदा उठाया और जब ये प्रेग्नेंट हो गई तो इसे छोड़ दिया। घबराओ मत, सबको बता दो यूवी ने तुम्हारे साथ क्या किया। बोलो। ये सच है, ये यूवी का ही बच्चा है। ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं माई, यही यूवी का सच है, एक नंबर का फ्रॉड और झूठा है। पर अच्छा हुआ टाइम रहते तुझे यूवी की असलियत पता चल गई। यूवी ने इस लड़की को प्रेग्नेंट किया और फिर छोड़कर लंदन भाग गया और तेरे पीछे पड़ गया। नहीं, ये झूठ है, मैं नहीं मानती। युवराज ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता। माही मेरी बात मान, युवी हमेशा से ऐसा था, वो कभी नहीं सुधर सकता। लेकिन तू चिंता मत कर, तू मेरी छोटी बहन है, मैं तुझे संभाल लूंगी। तू बिल्कुल मत घबरा, तू बस इस युवी को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दे। नहीं, मेरा युवराज ऐसा नहीं कर सकता, बोले ये सब झूठ है ना। माही खुद को संभालो बेबी, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, ओके? या ठीक है, तुमने बोल ही दिया तो मैं कैसे डिनाई कर सकता। ये बच्चा मेरा है। राज, मान लिया ये बच्चा मेरा है, तो अगर आज मैं इन सब के सामने तुम्हें किस करूंगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना?
किस, वो भी सबके सामने? Come on, सबके सामने क्या दिक्कत? ये बच्चा मेरा है, right? That's what you said. It's very normal. आजा, come on, give me a kiss. Just stop it. ये बच्चा तुम्हारा नहीं है. I'm so sorry. इन सबको सच पता कि तुम्हें किसने बोला था मुझ पे ये इल्जाम लगाने के लिए? इन्होंने मुझे बोला था ये झूठ बोलने के लिए. क्या? इन्होंने मुझे पैसे दिए इसलिए मैं ये नाटक करने के लिए तैयार हो गई. क्यों झूठ बोल रही हो? मैंने तुम्हें कब पैसे दिए? ये सब सच है, मैं झूठ नहीं कह रही. निकल जाए इस घर से और दोबारा कभी शक्ल मत दिखाना. आउट. लेकिन बस करो दी. क्यों आप हम दोनों को अलग करना चाहती हो? क्यों पड़ी हो युवराज के पीछे? ट्विंकल, ये मेरा प्लान है और मैं तुझे अपना प्लान बर्बाद करने नहीं दूंगा. दी, आपसे मेरी खुशी देखी नहीं जा रही है क्या? माही, ट्रस्ट मी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया. उस लड़की ने मुझे खुद बताया था कि हुई. युवराज, ये क्या पागल बोल रहा है? राज, राज, ये क्या कर रहे हो तुम? प्लीज, तुझे मुझसे प्रॉब्लम है ना ट्विंकल? बहुत दर्द दिया ना मैंने तुझे, इसीलिए तो ये सब कर रही है. ठीक है, दर्द का बदला दर्द. अब मैं खुद को दर्द देके अपने पापों को पश्चाताप करना चाहता हूं ट्विंकल. शायद तब तू मुझे माफ कर दे और मेरी जान के पास मुझे आने दे ट्विंकल. Twinkle, I'm sorry, मैंने ये सब करा. Twinkle, sorry, माफ कर दे मुझे. Please, Twinkle, माफ कर दे. Twinkle, please. Rob, stop it. Yuvraj. सिर्फ एक चांस दे दे मुझे और माही को प्लीज अपना प्यार प्रूव करने के लिए. हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं. Twinkle, please रुक जा. Twinkle, please. Yuvraj, please, stop it, Yuvraj. तुम क्या कर रहे हो? मैंने भी तुमसे प्यार करने का गुनाह किया है युवराज. अगर मेरी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो इसमें मेरी भी गलती है. मुझे भी सजा मिलनी चाहिए. मैं तुझे नहीं मार सकता जान, मैं तुझे नहीं मार सकता. मैं तुझसे प्यार करता हूँ. आई लव यू सो मच. आई एम सॉरी ट्विंकल, अब तो माफ कर दे. प्लीज ट्विंकल, अब तो माफ कर दे. बस करो, बस करो. युवराज, तुम्हारे बारे में कोई कुछ भी सोचता हो, आज से तुम मेरे लिए मेरे बेटे जैसे. मैं अपनी बेटी माही की शादी तुमसे करूंगा. ये एक पाप का वादा है. पापा नहीं, गलत फैसला. पापा ऐसा नहीं कर सकते, हमारी माही की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी. यूवी बहुत बड़ा धोखेबाज है, फ्रॉड है. पापा प्लीज, पापा अपना फैसला बदल दीजिए. पापा प्लीज ऐसा मत करें. पापा प्लीज, पापा हमारी माही की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी. ट्विंकल चल यार. नहीं, कुछ पापा को समझाओ. यूवी बहुत बड़ा फ्रॉड है, पापा ऐसा नहीं कर सकते. क्यों भी हम सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ समझाओ ना पापा को, ये गलत है.
मेरे साथ गेम खेलने चली थी ना ट्विंकल, पासा उल्टा पड़ गया ना। मैं तेरा पति तो नहीं बन पाया, लेकिन अब तेरा जीजा बनकर तुझे अपना बनाऊंगा। तू बस देखती जा आगे आगे होता है क्या। अब तो चैन पड़ जाना चाहिए आपको, तो हमें खुश रहने दीजिए। मैं जब इंडिया वापस आई तो मुझे लगा कि मेरी बहन और माँ से मिलने के बाद मेरी जिंदगी का खालीपन दूर हो जाएगा, पर नहीं। आज मुझे ऐसा लगता है कि काश आप मुझसे मिली ही ना होती। माई बात बोल, ऐसा माई, माई ऐसा नहीं, माई प्लीज, तुझसे बहुत प्यार करती हूँ माई, ऐसा मत। तो क्या बोलू, मेरी अपनी सगी बहन मेरा घर तोड़ना चाहती, मेरी शादी तोड़ना चाहती। तो इससे अच्छा तो यही होता ना कि मेरी कोई बहन होती ही ना। विकल्प चल यहाँ से। नहीं, ट्विंकल उधर किधर है? कुछ ट्विंकल नू देख। से बाहर अकेली क्यों चली आई? कुंज प्लीज मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। बिल्कुल नहीं, अकेला रहने से टेंशन सारी खत्म हो जाएगी। कुंज मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ, थोड़ी देर रोना चाहती हूँ, प्लीज। फाइन, रोना है ना तुझे, एक काम कर मेरे साथ रूम में चल, जितना रोना है रो ले, जी भर के चीख चिल्ला भी सकती है वहां तो। और अगर गुस्सा आएगा, कुछ तोड़ने का मन करेगा, चार पांच ग्लासेस भी रखवा देता हूँ। यहाँ ऐसे इधर उधर ना अकेली भटकना बंद कर, अकेला मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ रहा। मजाक सूझ रहा है तुम्हें? इस सिचुएशन में भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मेरी छोटी बहन जो मुझे इतने सालों बाद मिली है, उसकी हुई से शादी हो चुकी है, उसे लगता है मैं उससे जेलस हूं, उसकी शादी तोड़ना चाहती हूँ। आज जब यूवी की असलियत का प्रूफ देना चाह, तो वो लड़की अपनी बात से मुकर गई। एक बार दोबारा अपनी छोटी बहन को खोने की कगार पे हूं कुछ, और तुम्हें हंसी आ रही है। यू नो व्हाट कंसर्न, तुम मेरी जगह होते ना तो समझ पाते, तो मेरी जगह नहीं है ना, इसलिए यू कांट अंडरस्टैंड। कुछ प्लीज मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। ट्विंकल नहीं, कुछ मैंने कहा ना, छोड़ो अकेला मुझे थोड़ी देर। ट्विंकल कोई तो मैं नहीं कर सकता ना, जिंदगी भर के लिए तेरा हाथ थाम, ऐसे कैसे छोड़ दूं। अच्छे में बुरे में हमेशा तेरा साथ देने का वादा किया तुझसे, माना तेरी जगह नहीं, लेकिन तेरा दर्द समझ सकता हूं। आंखों में आंसू तेरे आते हैं, दिल मेरा टूटता है, दुखी तू होती है, परेशान मैं हो जाता हूं, बेचैन तू होती है, चैन मेरा क्यों उड़ जाता है। ट्विंकल दोबारा मत बोलना फर्क नहीं पड़ता, कि तुम यही सोच रही हो कि मैंने तुमसे झूठ बोला है, बट ट्रस्ट मी, मैंने जो भी तुमसे कहा बिल्कुल सच कहा। वो बच्चा यूवी का ही है। I don't know why वो लड़की सबके सामने झूठ बोलकर गई है।
ट्विंकल, लिसन, इस शादी से मुझे भी उतनी ही प्रॉब्लम है जितनी तुम्हें है। बहुत बड़ी गलती की मैंने आप पे ट्रस्ट करके। अरे मैं भूल गई थी कि आप तो भरोसे के लायक हैं ही नहीं। हैं तो आप उस यूवी की माई ना, आपका दिमाग उससे भी ज्यादा शातिर है। मुझे आपके साथ हाथ कभी मिलाना ही नहीं चाहिए था। अब जो भी करना है ना, मैं अकेले खुद ही कर लूंगी। ट्विंकल डोंट बी क्रेजी, तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ यूवी का किया हुआ है। उसे समहाउ हमारे प्लान के बारे में पता चल गया होगा और इसीलिए उसने हमारी चाल हमारे ऊपर ही चल दी। उस लड़की को बहलाकर उसने तुम्हें झूठा बना दिया। लुक ट्विंकल, हम दोनों मिलकर ये रहने दीजिए। नीता ने आपकी गंदी चालों को ना मैं अच्छी तरीके से समझ चुकी। आपको क्या लगता है कि आप और यूवी मुझे बेवकूफ बना के ये चाल जीत जाओगे? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बहन भाई को यूवी के हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगी। अब जो भी करना है मैं खुद कर लूंगी। मैं अकेले अपनी बहन को यूवी के गंदे इरादों से बचा के दिखाऊंगी आपको।